तो यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मुझे M1 iPad Pro परचेज करना है और मैं उसके ऊपर आइडिया देता हूँ कि हाँ ये चीज सही रहेगी एंड ये वैल्यू में आपको ये अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और अगर किसी को एकदम फ्लैगशिप लेना है तो उसके हिसाब से सजेशन भी देता हूँ। अगर आपका ऐसा यूजेज है तो आप इसके हिसाब से ये प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, अगर आपका यूजेज नहीं है तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एकदम बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। ऐसे जो वीडियोज होते हैं ना वो बहुत ही मनाता हूँ, बट स्टिल अभी यहाँ पर मोस्ट हाइप क्वेश्चन आता है iPhone 13 लू या फिर मतलब iPhone 14 लू। ये जो चीजें है वो बहुत ही एडवांसली हो रही है, मतलब iPhone 14 का जो लीक है iPhone 13 के लॉन्च होने से पहले आ चुका है और आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसा दिखता है iPhone 14। बहुत ही क्लासिक है और यहाँ पर जो शार्पनेस है, जो डिटेलिंग है वो बहुत ही ज्यादा है एंड ये जो रेंडर्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये जो न्यूज आती है वो आती है प्रोजर की तरफ से, तो आप ये चीज नोट कर सकते हो। और साथ में साथ यहाँ पर मैंने AR की लिंक दी है। यहाँ पर कैसे अभी iPhone 12 Pro का अगर आप वेबसाइट पे जाके AR ऑप्शन में जाके उसमें आप जाके टैप ऑन करते हो, वैसी जो सेम लिंक है वो मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वो भी iPhone 14 Pro Max की। तो यहाँ पर दो लिंक है, यहाँ पर ब्लैक कलर ऑप्शन का है और गोल्ड कलर ऑप्शन का है। ये जो चीज है वो थोड़ा बहुत बताना भूल गया था तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर बात करते हैं iPhone 13 लू या फिर मतलब iPhone 14 लू। अब ये जो M1 iPad Pro है इसका थोड़ा आपको रेफरेंस देता हूँ। यहाँ पर अभी जो 2021 आता है और 2020 iPad Pro आता है, ये दोनों बहुत ही लुक्स में बहुत ही सिमिलर है, बट स्टिल यहाँ पर हमें प्रोसेसर में बहुत ही अपग्रेड देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें सेंटर स्टेज मिलता है, यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेम चीज लागू होती है iPhone 13 पे। ये जो पूरी 13 सीरीज है वो पूरे एक रिफाइंड वर्जन होने वाली है iPhone 12 सीरीज की होने वाली है, और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें जो है iPhone 12 सीरीज में अच्छी देखने को नहीं मिलती थी, जैसे कि यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज देखने को नहीं मिलता था, स्मॉलर नॉच नहीं देखने को मिलता था, यहाँ पर हमें बैटरी लाइफ अच्छी देखने को नहीं मिलती थी, और यहाँ पर जो ग्लोबल यूनिट है उसमें हमें 5G mm वेव एक्स्ट्रा जो बैंड है वो देखने को नहीं मिलता था। तो ऐसी थोड़ी बहुत चीजें जो है वो बहुत ही छूट गई थी। यहाँ पर अभी ये चीज नोट करना है, यहाँ पर जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो आने वाला था, बट वो चीजें जो है वो कैंसिल हो चुकी है बिकॉज ऑफ 5G। बट स्टिल ये साल एप्पल जो है वो थिकनेस बढ़ा के थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्विक करके सॉफ्टवेयर के थ्रू से, और यहाँ पर जो चिपसेट है वो भी थोड़ा इंप्रूव होकर वो हमें देगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यहाँ पर आपको बोल दूं यहाँ पर जो लुक्स है उसके हिसाब से कोई डिफरेंशिएट देखने को नहीं मिलने वाला है, बट आपको देखना है iPhone 13 से iPhone 14 से यहाँ पर जो अपग्रेड है वो आपको देखने को मिलता है। बट स्टिल यहाँ पर ये जो चीजें है वो इनिशियल स्टेज में है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल के साथ, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कर सकते हो, जिसमें बताऊंगा iPhone 13 Pro के पूरे प्रोज एंड कॉन्स। वो जो वीडियो है वो प्लीज मेक श्योर करके पूरा ही देखना, आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ क्या है क्या नहीं। बट स्टिल अभी बात करते हैं iPhone 14 के कुछ चीजों के ऊपर। फोन अच्छा है इन टर्म्स ऑफ जो लुक्स है iPhone 13 के कंपैरिजन में, यहाँ पर अभी ये जो है वो इनिशियल स्टेज में है, तो मे बी शायद से फ्यूचर में चेंज हो जाए, बट स्टिल अभी के लुक्स के हिसाब से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा दिखता है। बट मेरे हिसाब से देखो, अगर आपको फोन लेना है, कोई भी एकदम स्मार्टफोन लेना है, यहाँ पर अभी 5-6 यूजर होते हैं जिनमें से आपको मैं थोड़े बहुत ही गिनाता हूँ। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नॉर्मल है, जो ऐसे आईफोन को लेते हैं, उसके बाद ये जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, चलने दो भाई अच्छा रहेगा, जब तक वो फोन पूरा लिटरली डेड ना हो जाए। यहाँ पर एक और ऐसे यूजर होते हैं जो 2-3 साल के अंदर में अपग्रेड करते हैं, एक आईफोन को यूज करते हैं इतने सालों तक, फिर उसके बाद अपग्रेड करते हैं। मेरे हिसाब से जो ईयर बाय ईयर में अपग्रेड करते हैं उनके हिसाब से आईफोन 13 से आईफोन 14 में जाना चाहिए, बट स्टिल अगर आपके पास अगर 12 है के बाद अगर आप देखते हो 13 या फिर मतलब 14, बट स्टिल मुझे 13 भी खरीदना है 14 भी खरीदना है, क्योंकि अभी ये जो चीजें हैं वो अच्छी लग रही है मुझे। यहाँ पर मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, देखो अगर आपके पास पैसा है, अगर आप ऐसा स्पेंड करना चाहते हो तो ले लो, मतलब कोई इशू नहीं है, ये साल का ले लो फिर अगले साल का भी ले लेना तो वो हो सकता है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो 12 है उससे 13 में अच्छा अपग्रेड मिल रहा है, आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है, देखो ये सब रेफरेंस दूंगा तो आपको थोड़ा मेक सेंस बनेगा, ये जो है ना वो अच्छा रहता है, मतलब ये अपग्रेड मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप 12 से आईफोन 14 में जंप करोगे तो अच्छा रहेगा, अगर आपके पास आईफोन 11 है या फिर मतलब 12 है और लग रहा है कि भाई हाँ चलो ले ही लेते हैं तो 13 ले लो। बट स्टिल यहाँ पर अगर आप 14 में जाओगे 13 से तो नहीं, अच्छा अपग्रेड नहीं होगा, तो ये चीजें आपको नोट करनी है। यहाँ पर अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन बिलो में, यहाँ पर मैंने हर एंगल से समझाया है।